आइए सर, क्या हुआ कोर्ट में? ये जैद विलात्रा के वकील हमारे साथ है सर, क्या हुआ कोर्ट में? सर बताइए 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 सर बताइए, आराम से सर बताइए सर, क्या कहते हो बेल खारिज हुई? बताइए सर। सर अभी डिटेल ऑर्डर हमको मिला नहीं है सर। जज ने क्या कहा? जज ने कुछ नहीं कहा कि जज ने इतना क्या, जितने भी अक्यूज है उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया सर। रिया का क्या होगा सर, किस ग्राउंड पे क्या उन्होंने, अगर आप कुछ बता पाए तारीख? सर अभी अभी जस्ट ऑर्डर होके 15 मिनट हुआ सर, अभी ऑर्डर ऑनलाइन भी अपलोड हुआ नहीं है, तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी एप्लीकेशन हमने कर दी है सर। अभी रिया का क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या चीज है जो एनसीबी खारिज हुई है, क्या क्या बताइए? अवेलेबल थे, आपका कहना था, आपने सर एक तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है सर, ये एक पॉइंट हुआ। और जो सेक्शन 26 वाला जो सेक्शन है सर, वो भी नॉन अवेलेबल है, एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स है, और बहुत ही इनिशियल स्टेज के ऊपर बेल एप्लीकेशन हुआ, ये रीज़न हमको समझ में आया। बाकी ऑर्डर मिलने के बाद सर हम आपको डिटेल देंगे। रिया का क्या होगा? ऑर्डर कभी मिलेगा? ऑर्डर कभी मिलेगी तारीख में? ऑर्डर कभी मिलेगी सर? रिया का क्या होगा सर? रिया भी जेल में रहना पड़ेगा सर। तारीख सर ऑर्डर कभी मिलेगी? 27A आप लोग के लिए कितना बड़ा मुश्किल वाला बना, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सीधे सीधे निकल कर। जी जी जी, वही सेक्शन 27A हमारे लिए काफी यानी उसमें मुश्किल पैदा कर दिया बेल के लिए सर। सर एनसीबी ने क्या कहा था जब 27A रख रहे थे, तो आप लोग की डिफेंस क्या ऑर्डर का था? हमकी हमारी डिफेंस ये थी कि उसमें 27A जो है एप्लीकेबल होता नहीं है सर, हमारा डिफेंस। जी जी। और सर यहां सर जैद के पास से फॉरेन करेंसी मिली थी, उसका रोल के बारे में बताइए सर। कोर्ट के सामने जब दलीलें हो रही थी तब एनसीबी ने क्या कहा था, और उस बारे में बताइए सर, आप थे वहां पर? सर मैं पूरे हेयरिंग में मैं वहां पर कोर्ट में मौजूद था सर। सभी के लिए कॉमन आर्गुमेंट हुआ सर वहां पे, कोई स्पेसिफिक नाम लेकर किसी का आर्गुमेंट हुआ नहीं, कॉमन आर्गुमेंट। तो अभी सबको जेल में रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा, जब तक बेल नहीं होती जब तक। आप हाई कोर्ट कब मूव करेंगे? आज ही जैसे ही एप्लीकेशन ये ऑर्डर बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर अपलोड हो जाता है, अपलोड की कॉपी ऑनलाइन निकाल के हमारा बेल एप्लीकेशन रेडी है, और हम तुरंत आज ही बेल एप्लीकेशन जैद विलात्रा का हाई कोर्ट में दाखिल। बाकी भी आज ही मूव कर रहे हैं सर, उनका मैं जैद का बता सकता हूँ सर, बाकी का मैं ये जानकारी होगी। लेकिन आप जैद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बेल नहीं मिली, आप काफी कॉन्फिडेंट थे कि बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिली, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर कोर्ट है, अगर स्पेशल कोर्ट अगर बेल नहीं देता है ये तो प्रोसेस है, मगर स्पेशल कोर्ट नहीं देता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे सर, हमारी कोशिश है तो चालू रहेंगे बेल करने के लिए हर तरह। क्या वजह लग रही है आपको बेल नहीं मिली? मुझे तो ऐसा लगता है सर कि इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, ये दो वजह होगी। और सेक्शन जो तो अभी आपने देखा, इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, और खास करके सेक्शन 27A की वजह से सभी बेल रिजेक्ट करने की बात कह रहे हैं। जैद के वकील इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि सभी बेल आम तौर पर इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि सेक्शन 27A लगाया गया है एनसीबी के द्वारा, और ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है, जिसके वजह से चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो बेल के प्रावधान पर हो सकता है कि सेशंस कोर्ट ने अभी उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रास्ता खुला हुआ है हाई कोर्ट तक जाने का, हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का भी रास्ता खुला हुआ है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानचंदे ने स्पष्ट कहा है कि हाई कोर्ट वो अगले हफ्ते जाएंगे, शनिवार और रविवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ही अर्जेंट केसेस में इस तरह के मामले दाखिल किए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत अर्जेंट मैटर नहीं है इसलिए अभी इसे दाखिल नहीं किया जाएगा, सोमवार से पहले हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं हो पाएगी। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास ऑर्डर आने दो, मैं 10 मिनट के बाद आपके पास आपके सामने आता हूँ, मैं सबके सामने आपके पास आता हूँ, एक 10 मिनट में ऑर्डर के साथ में आता हूँ, एक 10 मिनट में आता हूँ। बेल खारिज हो गई सर? हाँ बेल खारिज हो गई। अब जेल में रहना होगा बाकियों को? सबको जेल में रहना होगा, बड़ी खबर। ये हम आपको बता चुके हैं कि हर जो 6 लोग आरोपी थे उन 6 आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा, उन्हें बेल नहीं मिलेगी। रिया चक्रवर्ती के वकील का स्पष्ट तौर से कहना है कि अगले हफ्ते हाईकोर्ट का दरवाजा बेल के लिए वो खटखटाएंगे। दिनेश इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है। दिनेश, तो अब तो ये इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है कि अगले हफ्ते से पहले किसी तरह की कोई राहत रिया चक्रवर्ती को तो नहीं मिल सकती और बाकियों को भी नहीं मिलेगी। अब ऐसे में हाईकोर्ट के सामने सेक्शन 27A
यही सबसे बड़ी अड़चन है। और एक और बात अभी जो जैद के वकील ने कही, उन्होंने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट किया। तो जब तक जांच मुकम्मल स्तर तक नहीं पहुंचती, तब तक बेल के आसार बहुत कम है।